हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं फाइनल कीवर्ड की। देखो सिंपल है, अगर फाइनल किसी वेरिएबल के आगे लिख दूंगा तो वो वेरिएबल जो है वो बन जाएगा कांस्टेंट, मतलब उसका वैल्यू भाई क्या हम लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। सिंपल। अगर किसी मेथड के आगे लिखूंगा तो क्या होगा, मेथड को हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, ओवरराइड नहीं कर पाएंगे। सिंपल। अगर किसी क्लास के आगे लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, हम लोग जो है उसको इनहेरिट नहीं कर पाएंगे। सिंपल। ये चीजें इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग ज्यादा करके क्लास के आगे फाइनल लिख देंगे ताकि ज्यादा आगे गलती से वो इनहेरिट ना हो जाए। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं स्टैटिक कीवर्ड का। स्टैटिक कीवर्ड क्या करता है, अच्छा ठीक है चलो अब 2 मिनट के लिए यहाँ पे ध्यान दो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जब भी किसी भी वेरिएबल का बात करता हूं तो वेरिएबल क्लास के साथ एसोसिएट होता है या फिर ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होता है, सवाल पूछ रहा हूं। जब भी कोई वेरिएबल होता है वो क्लास के साथ एसोसिएटेड होता है या ऑब्जेक्ट के साथ, उसका वैल्यू क्लास के अंदर हम लोग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं क्या, ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू स्टोर होता है। तो जब भी वेरिएबल बनाता हूं कोई भी वेरिएबल ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होता है। सिंपल। अगर मुझे चाहिए कि मेरा वेरिएबल क्लास के साथ एसोसिएट हो तो उसके लिए मैं लिखता हूं स्टैटिक कीवर्ड वेरिएबल के आगे। मेथड का क्या करता है वो हमको पता है। अगर मैं किसी वेरिएबल के आगे स्टैटिक लिख दूंगा तो ये किसको बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू क्लास लिख देता हूं। क्या होता है एक्सप्लेन कर देता हूं मैं और एक बार। अब फॉर एग्जाम्पल लेट से, अच्छा कोई देख रहा है क्या, ये बैक कर रहा हूं मैं 2 मिनट। अब लेट से फॉर एग्जाम्पल मेरा जो क्लास है स्टूडेंट का, इसके अंदर 2 वेरिएबल्स है ऑलरेडी, नेम और आईडी। लेट से मुझे तीसरा वेरिएबल मेंटेन करना है, लेट से इंट काउंट। ये काउंट कर रहा है कितने स्टूडेंट्स है। अब अगर यहां पे 0 लिख दूंगा तो हर एक ऑब्जेक्ट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर काउंट का वैल्यू आ जाएगा। मुझे क्या चाहिए, काउंट का वैल्यू क्लास के पास ही रहना चाहिए, मतलब एक ही वेरिएबल को सारे ऑब्जेक्ट शेयर करेंगे। तो मैं इसके आगे लिख दूंगा स्टैटिक काउंट और लेट्स इज इक्वल टू 0 कर दूंगा। क्लियर।